देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं और छठे चरण का चुनाव होने वाला है। छठे चरण का चुनाव रविवार को यानी कि 12 मई को होने वाला है, जिसमें बिहार की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, हरियाणा की सारी 10 सीटों पर, यूपी की 14, झारखंड की 4, वेस्ट बंगाल की 4 और दिल्ली NCR की 7 सीटों पर चुनाव होना है। यानी कि कुल मिलाकर 59 सीटों पर चुनाव होने हैं छठे चरण में, और बिहार की 8 और झारखंड की, तो झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 7 सीटें बची हैं और 4 सीटों पर इस बार चुनाव होने वाला है, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम पर चुनाव होने वाले हैं। चलिए आज हम इस पर सभी सीटों पर चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेहमान हमारे सबरंग समाचार के एडिटर इन चीफ राकेश कुमार हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और आज हम बात करेंगे झारखंड की 4 सीटों पर जिसपे चुनाव होने वाले हैं। तो झारखंड की 4 सीटें हैं गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ शामिल है एडिटर इन चीफ सबरंग समाचार के राकेश कुमार। राकेश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और आप, झारखंड की जो 4 सीटें हैं, 14 सीटों में 7 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 4 सीटों पर चुनाव होने वाले गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और जमशेदपुर, यहाँ पर यूपीओ को खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन NDA की सारी सीटें, क्या लगता है ये सारी सीटें बचेंगी? देखिए, जो चुनाव खास करके इस फेज में हो रहे हैं यहाँ पे झारखंड में, उसमें 4 सीटें जो काफ़ी अहम मानी जा रही हैं और चारों सीटों का अपना अपना एक महत्व भी है। खास करके आप धनबाद की अगर बात करें तो वह अपना एक अलग स्थान रखता है। गिरिडीह, जिस पे लगातार चर्चा हो रही है कि गिरिडीह में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, राजनीतिक उठापटक और उलटफेर के बीच इस जगह पे चुनाव किए जा रहे हैं। जमशेदपुर लौह नगरी खास करके कहा जाता है, वहाँ का अपना एक महत्व है। और चाईबासा, जहाँ से कई चीज़ें निकलती हैं, माइंस मिनरल्स का इलाका कहा जाता है, और उस जगह पे जो चुनाव है अति पिछड़े इलाके में से एक आता है, तो उस जगह के चुनाव को लेकर चर्चा हमेशा होती रहती है और कोशिश की जाती है कि इन सारी जगहों पे जब चुनाव हो तो कई मुद्दे भी सामने आ जाते हैं, कई चीज़ों पे चर्चा भी की जाती है। हम चाहेंगे कि एक एक चीज़ों पर बातचीत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं धनबाद की बात करता हूँ। कोयलांचल, कोयला का वहाँ पर खदान भी है। अब वहाँ पर जो पशुपतिनाथ, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के, वो वहाँ से चुनाव में हैं और उनके सामने में कृति आज़ाद, जो कल तक दिल्ली में BJP के हुआ करते थे, अब वो झारखंड में UPA के हो गए। ये जो होता है, ये मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा कि PN सिंह वहाँ पे सांसद हैं, वर्तमान सांसद भी, और वो चुनाव में भी हैं। तो ये कृति आज़ाद को देकर UPA कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसे घोड़े पर रेस दाव लगा दिया जो घोड़ा बिल्कुल नया है और काफ़ी विरोध भी देखने को मिला वहाँ? देखिए, धनबाद जहाँ तक है वो कोयला नगरी, वहाँ पे वेरिएशन काफ़ी है, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे बाहर नहीं समझ में आती हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वहाँ के इलाके के लोग नहीं हैं, वहाँ पे कोयला नगरी होने के चलते, माइंस का इलाका होने के चलते कई राज्यों के लोग वहाँ पे बसते हैं, लंबे समय से बसते आ रहे हैं, तो वहाँ के वोटर्स कुछ थोड़े डिफरेंट वे में बातचीत करते हैं, वहाँ की चीज़ों को बातचीत करते हैं और वहाँ जो समस्या है उस पर भी चर्चा की जाती है। वहाँ की दो समस्या हाल के दिनों में काफ़ी बड़ी थी, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो भूमिगत आग जो जल रही है, कोयला में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने का काम लंबे समय से चल रहा है, और दूसरा जो आपने देखा होगा, उस आग के चलते ट्रेनों का परिचालन बदला गया था और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थी धनबाद जैसे जगह पर, हालांकि कई जगहों के लिए अब तो स्टार्ट कर दी गई हैं। तो ये सारे मुद्दे वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अहम माने जा रहे थे, और धनबाद सीट पर जब चर्चा शुरू हुई तो PN सिंह, जो कि BJP के सांसद हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं, झारखंड में मंत्री रह चुके हैं और उनका अनुभव काफ़ी है, लोगों के बीच जाना आना भी काफ़ी है, तो उनकी एक अलग पकड़ है और उस पकड़ और पहचान के चलते उनको वे अपना दावा बेहतर तरीके से वहाँ ठोक रहे हैं। इसी बीच UPA की बात की जाए तो कीर्ति आज़ाद, जो कहीं ना कहीं क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, BJP में थे, BJP छोड़कर जब वापस आए, इधर कांग्रेस में आए, तब जाकर उनको टिकट दिया गया यहाँ पर, खास करके धनबाद सीट पर। तो आने के साथ ही कई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, विरोधाभास काफ़ी देखने को मिला, बाहर जहाँ जा रहे थे वहाँ पे कई जगहों पे काले झंडे भी दिखाए गए, काले कपड़े पहन के लोग पहुँचे, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। हालांकि पिछले 3-4 दिनों में थोड़ी परिस्थितियां बदली हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं का दौरा हुआ है और उसके बाद से कहा जा रहा है कि जो अंतर कलह चल रही थी, वहाँ पे ददई दुबे थे, वहाँ पे राजेंद्र सिंह थे, वहाँ पे मयूर शेखर झा थे, सब ने दावेदारी की थी और बड़ी टक्कर थी कि किसे टिकट मिल पाएगा। तो जब टिकट का बंटवारा हुआ, टिकट का आवंटन हुआ जब कीर्ति आज़ाद को, तो इन सारे खेमों में एक हलचल शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ शांत होता गया और जैसे जैसे वहाँ पर समय बीतता गया, कीर्ति आज़ाद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और
इस बात को लेकर जिक्र चल रहा है कि आखिर किस तरीके से कीर्ति आजाद अपना स्थान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर जद्दोजहद चल रहा है वहाँ पे। लेकिन धनबाद की सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सिंह मेंशन की तरफ से भी एक प्रत्याशी उधर से, तो कहीं ना कहीं उनका फैक्टर क्या काम कर सकता है, सिद्धार्थ गौतम वहाँ पे खड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी चलेंगी। और मुझे लगता है कि कल के मतदान को लेकर जिस तरीके का माहौल है उसमें इंतज़ार करना बेहतर होगा, क्योंकि वो इलाका काफ़ी सेंसिटिव इलाका है और इस इलाके में मतदान कैसे होता है, कितना प्रतिशत होता है, ये सब देखने वाली बात है। मतलब कुल मिलाकर के जिस तरह से वन साइडेड लग रहा था शुरुआत में, तो अब जो है वो कहीं ना कहीं से मुकाबला कांटे की टक्कर होने वाली है। देखिए, इस बार का चुनाव एक वन साइडेड लगता है कि कहीं पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। शुरू में लग रहा था कि चूंकि पीएन सिंह पुराने थे, लंबे समय से वहाँ काम कर रहे थे, कीर्ति आजाद देर से आए वहाँ पे, अचानक से लास्ट आवर में किया गया, और उन्हीं की पार्टी के द्वारा विरोध भी हो रहा था, तो उनके पार्टी में अंतर्कलह काफ़ी चल रहा था, विरोधाभास था, तो इसको लेकर अभी जद्दोजहद चल ही रही थी। और आपने जिस तरीके से कहा कि एकदम से वहाँ पे कड़ा मुकाबला, निश्चित तौर पे कड़ा मुकाबला होने की बात कही जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कहा जा सकता है कि एकदम से सीधे सीधे एक तरफा चुनाव की बात नहीं हम कह सकते हैं। सब जगह लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और हाल के दिनों में जानकारियाँ बढ़ी हैं, युवाओं में थोड़ी जागरूकता भी बढ़ी है, तो बाकी चीज़ों को देखा जा रहा है, स्थानीय मुद्दे भी काम आते हैं। हालाँकि एक बात जरूर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक चीज़ को लेकर बातचीत करते हैं लोग, बातचीत करके वोट ले रहे हैं लोग, वोट मांग रहे हैं, क्या असर पड़ता है धनबाद जैसे सीट पे, ये तो बाद में पता चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि धनबाद की बात है, और वैसे मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि आपको सही चीज़ बताई जाए। अगर हम भी चाहें कि अपनी TRP बढ़ाना चाहें तो कोई भी एक पार्टी को लेकर चल सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। आज भी हम उस कंडीशन में हैं, उस पोजीशन में हैं कि वहाँ पर सही आकलन आपको बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ TRP का खेला नहीं है, इसलिए हम साफ साफ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मुकाबला जो है वो पूरी कांटे की टक्कर है। और आप दर्शक, अगर आप ये चाह रहे कि आपका प्रत्याशी जीते, तो आप भी निकलिए अपने घर से और शनिवार रविवार को मतदान जरूर करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह के बारे में बता दें सबसे पहले कि वहाँ पे गठबंधन का जो UPNDA का जो गठबंधन है, आजसू के वहाँ पे CP चौधरी जो वर्तमान मंत्री भी हैं झारखंड सरकार के, उनको दिया गया है टिकट, और वहाँ पर कांग्रेस और या JMM से जो UPA की जो उम्मीदवार कहते हैं वो जगन्नाथ महतो हैं। तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी कड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि लगभग बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर के जो सीटिंग MP हैं उनको हटाया गया और उनके बदले में दूसरे को लाया गया, इसके पीछे की राजनीति क्या, कैसे आप देखिए बीजेपी में कई चीज़ें पहले से चल रही थी, और बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, मुझे जहाँ तक अनुभव है कई वर्षों से जब काम करने का, खास करके जो पत्रकारिता के दौरान ही जो चर्चा होती है, बातचीत होती है, जो फीडबैक आता है, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, या फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही, हालांकि सभी पार्टियाँ फॉलो कर रही हैं कई चीज़ों को, लेकिन बीजेपी बड़े ग्राउंड लेवल पे किसी भी प्रत्याशी को टिकट देने के पहले काफ़ी आकलन करती है। ग्राउंड लेवल पे उनके कार्यकर्ता हैं, बाकी बूथ पे हैं, प्लस उनका एक सर्वे टीम होता है, लगातार उस पर काम करते रहता है कि किस तरीके से कौन से राजनीतिक लोग, उनकी पार्टी के लोग किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, मुद्दों पे लेकर किस तरीके से राजनीति हो रही है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा चलती रहती। लेकिन इस बार की बात की जाए, चूँकि गठबंधन का मामला था, बीजेपी आजसू का गठबंधन था, आजसू की दावेदारी थी 3 सीटों पे, उसमें गिरिडीह था, हजारीबाग था और रांची था, तो बीजेपी के लिए ज़रूरी था कि कम से कम 1 सीट या 2 सीट उनको दिया जाए, इस बारे में चर्चा हो रही थी। तो 1 सीट पर जब सहमति बनी तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नज़र आया, खास करके गिरिडीह का। हाँ। गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी को टिकट इसलिए भी दिया गया कि चंद्रप्रकाश चौधरी के परिवार के लोग, उनके पिताजी उस इलाके में काफ़ी सक्रिय रह चुके हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं, और लोग जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं, उनका योगदान रहा है उस इलाके में, तो उसका एक फ़ायदा पार्टी को मिले, इसका उसको देखते हुए वहाँ पर किया गया। हालाँकि रविंद्र पांडे जो काफ़ी विरोध हुआ था, शुरू में लग रहा था कि रविंद्र पांडे पार्टी से निकल जाएंगे, विरोध करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने बातचीत की, उनसे बातचीत करने के बाद एक रास्ता निकला,
और अब जाकर ये तय हुआ है कि चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थन में वे काम भी कर रहे हैं और बीजेपी पूरी ताकत के साथ वहाँ पे मैदान में है। यूपीए की बात की जाए तो जगन्नाथ महतो जेएमएम के कदावर नेताओं में से माने जाते हैं। जेएमएम में उनकी एक अहम भूमिका है, अच्छी पकड़ है और उस इलाके में भी कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है स्थानीय स्तर पर काफ़ी चीज़ों में। तो वो भी अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वहाँ भी अपनी वोट को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। उनके साथ पूरी टीम है, खास करके यूपीए की जब बात करें तो कांग्रेस के लोग हैं, जेएमएम के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं और इस तरह से बाकी लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में उनके पास भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ा वोट बैंक है। और चंद्रप्रकाश चौधरी उस इलाके में जा रहे हैं, यानी कि सरकार और सरकार में शामिल तमाम नेता, बड़े नेता उस इलाके में जाकर प्रचार कर रहे हैं। सुदेश महतो कर रहे हैं, रघुवर दास वहाँ पहुँचे हुए हैं। इन सारी चीज़ों के बीच से प्रचार हुआ है, लोगों के बीच जाकर बातचीत की गई है, तो वहाँ भी कांटे की टक्कर कही जा सकती है। यानी कि इस बार के चुनाव में कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। इसलिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला हर जगह का नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि उस इलाके में जो लोग हैं, खास करके थोड़ा गरीब इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, थोड़ा पिछड़ा इलाका है, जागरूकता की थोड़ी कमी है कई इलाकों में, तो ऐसे माहौल में लोग कितना तेज़ी से निकल कर आते हैं वोट देने। हालांकि गिरिडीह में अमूमन कहा जाता है कि वोट अच्छा हो पाता है, तो वोट जितना तेज़ी से देंगे, जितना लोग वोट बाहर निकल कर देंगे, तो परिणाम की बात की जा सकती है। दोनों प्रत्याशी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी कहा जा सकता है कि मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर है, क्योंकि यूपीए खेमा और एनडीए खेमा, अब इसके बीच में फिर कोई प्रत्याशी बचते नहीं है और निर्दलीय है तो निर्दलीय है, वरना नहीं। देखिए निर्दलीय जो भी हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं तो उनको कहीं ना कहीं से किसी का वोट काटने की कोशिश कराने के लिए खड़ा किया गया है या खड़ा किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वोट कटेंगे भी तो उसका बहुत ज़्यादा असर गिरिडीह जैसी सीट पे नहीं पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता कोई, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट वैसा कोई दिखता नहीं है वहाँ पे। चलिए, दूसरा और तीसरा कैंडिडेट वहाँ पे दिखता नहीं है, यानी कि सीधी सीधी जो टक्कर है वो यूपीए और एनडीए में कहीं ना कहीं है। और मैंने फिर से आपको बता दिया कि भाई हम उस कंडीशन में नहीं है कि आपको किसी प्रत्याशी को विनर वहाँ पर बता दें और अपनी टीआरपी को बढ़ा दें, क्योंकि हम अपनी सहभागिता को, अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं जमशेदपुर सीट की। जमशेदपुर सीट पर चंपई सोरेन बहुत बड़ा नाम है जेएमएम का, और साथ ही साथ विद्युत वरण महतो जो कि बीजेपी से हैं, तो यहाँ पर मुकाबला किस तरह से देखता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का वो घर भी वहीं जमशेदपुर में ही है, तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात यहाँ पे आ जाती है। देखिए, जब बात करेंगे तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, कई दिग्गज नेता वहाँ पे से हैं। सरजू राय वहीं से हैं, अर्जुन मुंडा वहीं से हैं, दिनेशानंद गोस्वामी वहीं से हैं, उसके अलावे आप रघुवर दास वहीं से हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की बात कही जा रही है। और विद्युत वरण महतो की मैं चर्चा करना चाहूँगा, एक ज़माने में वे जेएमएम में ही थे, जेएमएम छोड़कर पार्टी बीजेपी में आए थे पिछली बार और चुनाव जीते थे, इस बार सिटिंग है। चंपई सोरेन को भी वहाँ पे लोग जानते हैं और चंपई सोरेन अपने आप उस इलाके में, खास करके उस इलाके में अपनी पकड़ रखते हैं। तो जमशेदपुर के लोग सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जागरूक ज़्यादा है, बाकी जगहों से अन्य इलाकों की हम चर्चा करते हैं तो जमशेदपुर में जागरूकता है। अब वोट देना देने के लिए कितने लोग बाहर आते हैं ये एक बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि जमशेदपुर का जो शहर का इलाका, जमशेदपुर टाउनशिप जो बना हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्योंकि वहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, यातायात या बाकी जो सुविधाएं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, बाकी चीज़ें, ये सारी टाटा नगरी के अंडर में आती हैं। यानी कि साक्षी वो पुल, मान को पुल क्रॉस करिए तो सारी चीज़ें टाटा नगरी वागर, हाँ। तो जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो टाटा नगरी की तरफ से दी जाती हैं लोगों को। तो लोगों को लगता है कि सांसद को वोट दें या न दें, अमूमन इस बात पर चर्चा होती रहती है कि वोट दें या न दें, तो वहाँ थोड़ा वोट प्रतिशत थोड़ा कम होता है। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि वहाँ पे लोग जागरूक हैं, अपने वोट का महत्व समझ रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, देश में प्रधानमंत्री को चुनना है, लोकल स्तर पे हो सकता है कि समस्याओं का समाधान को लेकर बातचीत नहीं करें लोग उस इलाके में। जमशेदपुर की मैं बात करूँगा, क्योंकि टाटा की तरफ से सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं, उनको सांसद पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, कई बड़ा क्षेत्र आता है वहाँ पर, सारी क्षेत्र में, तो उसके चलते वो सांसद पर उतना उम्मीद नहीं करते हैं कि सांसद की तरफ से कोई चीज़ें आएंगी उनके पास, लेकिन वे वोट देने आते हैं, निकलते हैं और वोट का माहौल है, चुनाव का माहौल है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे भी माहौल पूरा जमा हुआ है। आसपास के जो इलाके हैं, थोड़ा जंगली इलाके भी आते हैं, थोड़ा नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं, लेकिन उस इलाके में वोट अच्छा होता है और वोट में जागरूकता के साथ लोग वहाँ पे वोट देते हैं।
वहाँ पे जागरूकता के साथ वोट देते हैं। और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जमशेदपुर जो सीट है तो ये सियासी रूप से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, मैंने पहले भी बताया और आपने भी बताया कि बहुत सारे नेता वहाँ पे हैं। चंपई सोरेन पे बाजी खेली है जेएमएम ने, तो क्या लगता है कि ये सही डिसीजन? देखिए, मैंने एक बात का जिक्र किया था कि आजकल जो पार्टी होती है, जिन राजनीतिक दल के लोग होते हैं, पहले काफ़ी सर्वे करते हैं, प्रत्याशियों के चयन के पहले सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है, स्थानीय लोगों से, पार्टी के कैडर से, पार्टी के संगठन के जो नेता हैं उनसे बातचीत की जाती है, और साथ साथ इस बात की कोशिश की जाती है कि आखिर उनका सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहा है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, ये सारे आकलन पहले किए जाते हैं। डिजिटल का दुनिया हो गया, डिजिटल दुनिया में अब इन सारी चीज़ों को और आसान हो गया है कि कैलकुलेट करके देखना कि किसके पक्ष में क्या कुछ चल रहा है, कौन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, किसे लोग सोशल मीडिया पर पसंद कर रहे हैं, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन ज़्यादा लोगों से मिल रहा है, इन सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है। आप आगे आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय और इसे बारीकी से देखने का मौका मिलेगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं कई पार्टियों में जिसके आधार पे कहा जाता है कि वो फीडबैक बनता है कि उसी के आधार पे टिकट का बंटवारा किया जा सकता है। तो अभी से कई पार्टियां इस दिशा में काम कर रही हैं कि किस तरीके से चयन किया जा सकता है अपने प्रत्याशी का, तो लोकसभा चुनाव में भी इस बात का ख्याल रखा गया है। और मुझे लगता है कि चंपई सोरेन पर दाव नहीं को मजबूती के साथ वहाँ पर उतारने की कोशिश की है। विद्युत बरन महतो का एक अपना वहाँ अलग पहचान है, चंपई सोरेन की एक अलग पहचान है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को फाइट देने की स्थिति में है। और मुझे लगता है कि यहाँ भी दिलचस्प होगा, यहाँ भी अभी कुछ भी नहीं कहा, जैसा कि पिछले चुनाव में भी अभी तक असमंजस की स्थिति कई सीटों पर बनी हुई कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, चुनाव होने के बावजूद लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि इस सीट पर भी कुछ उसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। चलिए, ये सीट भी उसी तरह से है कि भाई यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि कौन जीतेगा, लेकिन दिलचस्प होगा मुकाबला। लेकिन अब यहाँ पे एक और जो सीट हमारे पास बचा हुआ है वो सिंहभूम का सीट है। यहाँ पर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जो विधायक है वो अभी इन यूपीए की तरफ से उम्मीदवार है, और वहाँ पे भाजपा के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गिलुआ उनके सामने हैं। तो गीता कोड़ा लक्ष्मण गिलुआ का मुकाबला कैसे इसको देखते हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे वहाँ काम कर रहे हैं, मेरी जो जानकारी है, मैंने जो वहाँ पे बातचीत की है लोगों से, तो राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर तो बातचीत की जा रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दे वहाँ काफ़ी हैं, खास करके माइंस मिनरल्स का इलाका है, खनिज निकालने को लेकर जिस तरीके का जद्दोजहद होता है, जिस तरीके की वहाँ पे कुछ कई बड़ा इलाका जो है वो कहा जाता है कि लोग माइंस के चलते थोड़ी परेशानी से है, जितना उनको फ़ायदा होना चाहिए था शायद नहीं मिल पाया, रोजगार की कमी देखने को मिल रही है। आप सारंडा का इलाका पूरा नक्सल प्रभावित इलाका था, हालांकि इस सरकार के बाद से कहा जा रहा है कि नक्सली अब खत्म हो गए, सारंडा के इलाके में नक्सल नहीं है, अब इस बात का दावा किया जा रहा है। और ऐसे में जब विकास की हम चर्चा करते हैं तो आपको याद होगा कि जयराम रमेश कांग्रेस की सरकार थी उस समय उसी इलाके में जाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चला रहे थे, एक तरफ मोटरसाइकिल से भी वो एक हाँ एक तरफ सीआरपीएफ के जवान कॉम्बिंग करके नक्सलियों का खात्मा करने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विकास के माध्यम से लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही थी, तो एक अच्छी पहल थी। वो ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी भी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी से हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी पकड़ भी स्थानीय है, गीता कोड़ा भी स्थानीय है, दोनों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगाई है वहाँ पे और काम करने की कोशिश भी की है, साथ साथ जनता के साथ मिलजुल कर बैठ कर बातचीत भी की है। तो वहाँ पे बड़े नेताओं का भी दौरा हो रहा है लगातार उस इलाके में, दोनों के तरफ से बड़े बड़े नेता वहाँ पे दौरा कर चुके हैं, तो दिलचस्प यहाँ भी मुकाबला होगा। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि खुलकर कुछ सामने नहीं आ पा रहा है, कहीं पे किसी तरह का कोई परिणाम या संकेत एकदम एक तरफा नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसको लेकर कहा जा सके कि जनता इस बार मूड बना ली है कि एक तरफा जाएगा। हालांकि दावेदारी पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ देख रहा हूँ अभी फिलहाल वो अभी भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वोट होगा, वोट के बाद भी कई जगहों की स्थिति समझ में नहीं आ रही, इसलिए अभी तुरंत कहना संभव नहीं है, लेकिन हर जगह लोग वोट देने निकलेंगे, जितना वोट पड़ेगा उसके आधार पे पता चल पाएगा, ज़्यादा पता चल पाएगा कि कौन बेहतर स्थिति में नजर आता है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को लगातार ये कह रहा हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्रिय उम्मीदवार जो है
उसको अगर आप चाहते हैं कि जीतता हुआ वो दिखाना चाहिए तो आप अपने घरों से निकलिए और मतदान ज़रूर कीजिए, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है और ये अधिकार फिर 5 साल के बाद आपको मौका मिलेगा, इसलिए मतदान ज़रूर करें और अपने पूरे परिवार को करवाएं। एक सवाल मैं बहुत संक्षेप में चाहूँगा इसका जवाब। जिस तरह से इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि जुबान फिसलती जा रही है, लोग जिस तरह से बात का स्तर जो है वो एकदम नीचे गिरता जा रहा है, क्या लगता है कि ये स्तर कहाँ तक गिरेगा? देखिए, मेरा जो अनुभव है, खास करके शुरुआती दौर में जब इस तरीके की चीज़ें आती थी तो बड़ा अटपटा सा लगता था जहाँ से मैं बैठता था। मैंने जब शुरुआती दौर में जब पत्रकारिता शुरुआत की थी उस समय भी मैंने लिखा था कहीं पे किसी अखबार के कॉलम पे कि किस तरीके से लोग इस तरह के चुनाव में हरकत कर रहे हैं, तो उस समय एक इस पर चर्चा भी हो जाती थी, बहस हो जाती थी। आज भी बहस हो रही है, लेकिन अब तो इतना स्तर नीचे गिर गया है। कल हमारी बीजेपी के एक बड़े नेता से जो बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया ज़रूर कि जो स्तर गिरता जा रहा है इस पर लोगों को ही सोचना होगा। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग जनता के हित की बात करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जनहित में काम हो, राष्ट्रहित में काम हो, समाज के क्षेत्र में बेहतर काम करें, तो इस तरह से जो बयानबाजी गिरते स्तर पे बयानबाजी, मतलब ऐसी बातें सामने दिखाई पड़ रही हैं जो शायद परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है कि ऐसा समय आ सकता है। सोशल मीडिया की भूमिका काफ़ी अहम रही है इसमें, और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो निश्चित तौर पे सोसाइटी के लिए तो अच्छी नहीं है, देश के लिए भी अच्छी नहीं है, और एक व्यक्तित्व के तौर पे किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। उस पर भी जो जिम्मेदार लोग हैं, खास करके जिम्मेदार मैं कहना चाहूँगा, राजनीति में जो लोग जाते हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक जाते हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे, उनकी जुबान अगर फिसलती है, उनके जुबान से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं तो उस पर उनको खुद सोचना चाहिए। क्योंकि एक बात का मैं जिक्र करूँगा, अधिकार और कर्तव्य, मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि किसी व्यक्ति का कोई एक अधिकार है और कर्तव्य है। बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर तो सोचने की ज़रूरत सभी को चाहिए। और आज के राजनीतिक परिवेश में इस पर बड़ा बहस होने की ज़रूरत है, बड़ी बहस हो सकती है, और बड़ी बहस के साथ साथ तार्किक रूप से समाज के सामने, नेताओं के सामने इस बात को रखना चाहिए लोगों को। और हम लोग भी कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में कि इस बात पे चर्चा कराई जाए, बातचीत कराई जाए और जनता के सामने, लोगों के सामने रखी जाए बात की किस हद तक वो जा सकते हैं, और जो जाते हैं दायरा तोड़ते हैं उनको कितना शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे कि आपने गलत किया है। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि भाई जुबान तो फिसल ही रही है लेकिन जनता कहीं ना कहीं पसंद कर रही है, और इसलिए वो उनकी जुबान कुछ ज़्यादा ही फिसल देगी। अगर विरोध होना शुरू हो जाए, अपने नेताओं का ही विरोध होना शुरू हो जाए कि उनकी जुबान के चलते, उनके गिरते स्तर के चलते, तो ये नेता हो सकता है कि थोड़ा अपने आप पर लगाम लगा सके। फिलहाल 4 सीटों पे हमने आज चर्चा की, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम पर, और कहीं पर भी ये कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है। और दर्शक, अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपको रिजल्ट बताएं तो रिजल्ट आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रत्याशी जीते तो निकलिए घर से और रविवार को ज़रूर वोट कीजिए, वोट आपका अधिकार है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।